सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 को रद्द करने और फिर से परीक्षा कराने की याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी धांधली मामले में छात्रों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा नतीजों में अनियमितता को देखते हुए एनटीए को ग्रेस मार्क्स रद्द करके फिर से नीट परीक्षा आयोजित करने को कहा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले पर फैसला दिया है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने उन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स रद्द करने और उनकी दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हें या तो इसे छोड़ना पड़ेगा या फिर चाहें तो वो दोबारा परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस फैसले के आने के बाद नीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में खलबली मच गई है। कई छात्रों को इस फैसले से जुड़े कन्फ्यूजन भी होंगे, तो हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसले से जुड़े जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं उसके आखिर जवाब क्या है। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या सभी अभ्यर्थियों को दोबारा नीट यूजी परीक्षा देनी होगी? तो इसका जवाब है नहीं, नीट यूजी परीक्षा उन सभी अभ्यर्थियों को दोबारा नहीं देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह परीक्षा उन 1563 छात्रों को दोबारा देनी होगी जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। दूसरा सवाल है कि दोबारा कब होगी नीट यूजी परीक्षा? तो नीट यूजी की दोबारा परीक्षा 23 जून को आयोजित की जानी है। फिर इसके बाद कब आएगा रिजल्ट? नीट यूजी का रिजल्ट 30 जून को जारी किया जाएगा। फिर अगला सवाल है कि कब होगी नीट यूजी की काउंसलिंग? तो नीट यूजी की काउंसलिंग 23 जून तक कराए जाने की संभावना है। वहीं अगला सवाल है कि क्या कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी पुनः आवेदन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हर अभ्यर्थी पुनः आवेदन नहीं कर सकता है, केवल वो अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं जो ऐसे केंद्रों पर उपस्थित हुए हैं जहाँ किसी कारण से समय कम कर दिया गया था। फिर अगला सवाल है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के पास क्या क्या ऑप्शन है? तो जिन अभ्यर्थियों को एनटीए की तरफ से ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनके पास अब दो ऑप्शन है। ये अभ्यर्थी या तो री एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर अपने पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। अगर वो काउंसलिंग में शामिल होते हैं तो उनके मार्क्स से ग्रेस मार्क्स को हटा दिया जाएगा। वहीं अगला सवाल है कि कितनों केंद्रों पर समय की बर्बादी की समस्या आई है? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़, सूरत और चंडीगढ़ जैसे राज्यों के कम से कम 6 केंद्रों में छात्रों ने परीक्षा के दौरान समय की बर्बादी की शिकायत की थी। वहीं अगला सवाल है कि जो अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं वो क्या करें? तो इसका जवाब है कि जो अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं वो अपने मूल अंकों को बनाए रखने का विकल्प चुन सकते हैं, इसमें शुरू में दिए गए किसी भी ग्रेस मार्क्स को शामिल नहीं किया गया है। अगला सवाल है कि नीट यूजी 2024 परीक्षा पर विवाद आखिर है क्यों? तो असल में ग्रेस मार्क्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं का दावा है कि ग्रेस मार्क्स के जरिए परीक्षा में धांधली की गई है। विवाद बढ़ने पर एनटीए ने अपनी वेबसाइट में कहा है कि सिर्फ 1563 छात्रों को लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए ने कहा कि जिन परीक्षा केंद्रों पर देर से कॉपी बांटी गई, गलत क्वेश्चन पेपर दिया गया था, इसलिए उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं।